अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम सब लोग जा रहे हैं यूनिवर्सल सिनेमा मूवी देखने के लिए। 3-4 दिन पहले मेरे भाई ने मुझे टेक्स्ट किया था कि जुरैसिक वर्ल्ड जो है वो मूवी लगी हुई है, तो चलते हैं मूवी देखते हैं। अच्छा, वैसे मैं बाय द वे इंग्लिश मूवीज़ में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं इंग्लिश सीजन्स तो फिर भी देख लेती हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश मूवीज़ मुझे इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। मुझे सिर्फ इंडियन मूवीज़ अच्छी लगती हैं। आई एम सच अ देसी टाइप वूमन ना। मॉल में एंटर होते ही हम लोग आ गए एटीएम पर, क्योंकि कुछ पैसे निकालने थे। और मूवी अच्छी थी नहीं थी, हम सबको इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम सब एक दूसरे की कंपनी को इतना ज़्यादा इंजॉय करते हैं कि मूवी अच्छी अगर नहीं भी है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए जब भी कहीं जाना होता है हमेशा साथ और इकट्ठे होकर जाते हैं, क्योंकि इकट्ठे होने में जो मज़ा होता है ना, वो किसी भी दूसरी चीज़ में नहीं होता। रात 11:30 बजे वाला शो था जनाब, और मूवी ख़त्म होनी थी रात को 2 बजे। अच्छा, अब इतना लेट हमने शो क्यों लिया? वो इसलिए कि जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि वो डॉक्टर हैं और वो ड्यूटी पर होते हैं दिन रात। तो उस दिन उनसे बड़ी हमने रिक्वेस्ट की थी कि जी आप टाइम निकालें और हमारे साथ शो पर चलें, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो रात वाला टाइम हमारे लिए, हमें कंपनी देने के लिए निकाला था। और इसीलिए हम रात को 11:30 बजे वाले शो पर गए थे। और अल्ट्रा में हमने बुकिंग करवाई थी, यहाँ पर हम लोग सिनेमा में आ चुके हैं। और सिनेमा में जाने से पहले भाई पॉपकॉर्न्स हो गए, नाचोस हो गए या कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, वो तो मस्ट है, उसके बगैर तो मूवी का फिर मज़ा ही नहीं आता। यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी मर्जी से चीज़ें ले रहे हैं। मेरा, मेरी भाभी का और मेरी बहन का ये प्लान था कि हम लोग कमली मूवी देख लेंगे, जो सबा कमर की न्यू मूवी आई हुई है, क्योंकि उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं और काफ़ी हम लोगों ने अपनी फ्रेंड्स वगैरह से सुना है कि मूवी बहुत अच्छी है। लेकिन फिर वही था कि आधे लोग उधर हो जाते और आधे लोग उधर हो जाते, और हम तीनों के जो हस्बैंड्स थे ना, फिर वो भी थोड़े खफा हो जाते कि ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आधे उधर और आधे उधर। इसलिए हमने इस प्लान को स्किप कर दिया। सिनेमा को डोर ओपन होने में सिर्फ 5 मिनट्स रहते हैं, और जैसे ही डोर ओपन होगा तो हम अंदर एंटर हो जाएंगे। हमें घर वापस आते आते सुबह के 4:15 बज गए थे। और अगले दिन फिर मैंने आप लोगों के लिए ये शूट किया। ये है जनाब एक रिव्यू जो कि मैं आप लोगों को देने के लिए जा रही हूँ। ये एक बेसिकली स्टील क्लीनर है जिसका नाम है ग्लिंट स्टील क्लीनर, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये क्लीनर है। देखिए, घर में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं जो स्टील की बनी हुई होती हैं। जैसे सबसे पहले तो किचन को ही ले लेना, किचन में हमारे जो स्टोव होते हैं, चूल्हे होते हैं, वो स्टील के होते हैं। किचन में जो सिंक्स होते हैं वो स्टील के होते हैं। इसके अलावा टूंटियाँ पूरे घर वो स्टील की बनी हुई होती हैं। डोर हैंडल जो हैं वो स्टील के होते हैं। चेयर्स भी स्टील की होती हैं। शैंडलियर बाज़ लोगों के घरों में स्टील के होते हैं। साथ के साथ और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो स्टील की बनी हुई होती हैं। और आपने देखा होगा कि स्टील पर बहुत ही हार्ड किस्म के स्टेन जो हैं वो जम जाते हैं, जिनको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है, ख़ासतौर पर चूल्हे पर जैसे चाय दूध वगैरह के दाग होते हैं। बाज़ लोग डेली बेसिस पर नहीं अपने स्टोव साफ़ करते हैं, तो वो दाग वहीं पर जम कर बहुत ही हार्ड हो जाते हैं, जिन्हें फिर साफ़ करना मुश्किल होता है। तो आप लोग ये ग्लिंट क्लीनर जो है ये घर में लेकर रख लें, ये बहुत इजीली आपके चूल्हों पर से, स्टील की हर चीज़ पर से दाग धब्बे बिल्कुल आराम से साफ़ कर देता है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसको यूज़ करना बहुत आसान है। हाँ, अगर बहुत ही कोई हार्ड किस्म के स्टेन है ना, उसके ऊपर फिर उतारने में आपको थोड़ा टाइम लगता है। जैसे बाज़ लोग अपने घर की टूंटियाँ बिल्कुल साफ़ नहीं करते, उन टूंटियों पर साबुन के, सर्फ के दाग, पानी के दाग जम जम के वो इतने हार्ड हो जाते हैं कि फिर आपको उस पर मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको अपने घर के ऊपर के हिस्से में एक वॉशरूम में लेकर जा रही हूं, यहां पर इस वॉशरूम की जो टैप्स है ना, ये
पिछले एक साल से साफ नहीं हुई हैं। और ये सैनिटरी आप लोग देख रहे हैं, ग्रोहे की सैनिटरी, घर में सैनिटरी फिटिंग सारी लगी हुई है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो ये मैंने सोचा कि इसके ऊपर आज मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी। और आप ये टैप देखें, ये पिछले एक साल से ये टैप साफ़ नहीं हुई है क्योंकि ये वॉशरूम बहुत कम यूज़ होता है हमारे घर में। तो वॉश होता डेली होता है लेकिन यूज़ बहुत कम होता है। तो इस पर पानी के सर्फ के जो दाग हैं ना वो पड़ गए हैं जिन्हें साफ़ करना बहुत मुश्किल था। आपने सिर्फ क्या करना है, अब आप ये सोचें कि ये मैं आपको एक साल पुराना स्टेन है जो जम जम के बहुत ही हार्ड हो गया है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको हार्ड स्टेन पर इसको ट्राई करवा के दिखाती हूँ। अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले ग्लिंट क्लीनर डाला और मैंने इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अमूमन आपने 2 मिनट के लिए इसको नहीं छोड़ना होता डाल के, और फौरन इसको रब कर लेना होता है। लेकिन ये क्योंकि बहुत ही हार्ड स्टेन था, मैंने डाला, 2 मिनट के लिए छोड़ा, फिर मैंने टूथब्रश एक पुराना था उससे लेकर इसको बफ़ करना शुरू किया। और बफ़ करने के बाद ये देखें जनाब, ये कितना साफ़ हो गया है। एक साल पुराना दाग जो जम जम कर इतना सख्त हो गया था, अब देखें वो कितना साफ़ हो गया है। ये है बिफ़ोर का रिज़ल्ट और ये है आफ्टर का रिज़ल्ट। अब डेली मैं इस पर क्लीनर लगाऊंगी, इसको साफ़ करूंगी और ये जो थोड़ा सा रह गया है ये भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो जिस तरह मेरे किचन के सिंक्स हैं या मेरा स्टोव है वो तो डेली बेसिस पर साफ़ हो रहा होता है ना, तो जो चीज़ डेली बेसिस पर साफ़ हो रही है उसको तो ये बहुत अच्छी तरीके से चमका ही देता है, लेकिन जो बहुत ही पुराने हार्ड किस्म के दाग होते हैं ना उनको भी ये अच्छे तरीके से निकाल देता है। आपको कोई बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की मेहनत नहीं करनी पड़ती। आज मैं बना रही हूँ दाल, और हमारे घर में ना चने की दाल कभी भी खाली नहीं बनती, चने की दाल और माश की दाल हमेशा इकट्ठे बनती है। आज भी मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये दोनों दालें बना लें, तो माश की दाल जो थी वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने आज इसमें ना 7 मसूर की दाल ऐड कर दी। यानी आज मैं बना रही हूँ चने की दाल, माश की दाल और मसूर की दाल। इतने मज़े की दाल बनी थी, मैंने फर्स्ट टाइम ये तीनों दालें इकट्ठी बनाई हैं। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले चने की दाल को मैं बॉईल कर लेती हूँ और उसके बाद फिर बाद में मैं इसमें माश की दाल और मसूर की दाल मैंने ऐड की थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ भगार, और अभी तो खैर सिर्फ आपको प्याज नज़र आ रही है, बाद में मैंने इसमें साबुत लाल मिर्च और ज़ीरा भी ऐड कर लिया था। दाल कभी कभी बहुत ही अच्छी लगती है, और ख़ास तौर पर अगर फ्रेश बनी हुई हो ना तो दाल बहुत ही स्वाद देती है यार। चलें जी, अब थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं, क्योंकि हरा धनिया के बगैर तो भाई सालन हो, दाल हो, कुछ भी हो, उसमें निखार ही नहीं आता। और ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कर दो ना लाइक यार, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए कीप इन टच विद मी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।